आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डाई सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार के बारे में, यानी कि आपके जो अधिकतर जो कमेंट्स थे उसके अंदर आपने ये पूछा है कि सार के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना क्या जरूरी है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो वेबसाइट जो मैंने आपको कल बताई थी, जो कि थी dtmaharashtra.government.in, तो वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो, या जो दूसरी वेबसाइट है MAHACET, ये वेबसाइट सही है। तो ऐसे जो आपके बहुत से जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में जो है मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जो है और एक चीज़ हम जान लेते हैं जो आप सभी अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, वो ये है कि डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं है डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग का, और ना ही इसका कोई शेड्यूल आया है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई स्टार्ट हो चुका है तो वो घुचू है। इसका कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही इसका कोई शेड्यूल आया है। इसका जो शेड्यूल है वो अगले मंथ में आने वाला है, अभी नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं जहाँ तक सार की बात है। तो भाई सार जो पोर्टल है इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ भी सकता है नहीं भी, तो इसके लिए जो है एक पब्लिक नोटिस आई है, और ये जो नोटिस है ये आपको जो है देखने मिल जाती है MAHACET के ऊपर। तो ये पब्लिक नोटिस में ये बताते हैं कि द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20 थ्रू सार पोर्टल हैज़ बीन कैंसल्ड। The revised details, schedule and process shall be notified shortly. The process is likely to start from Monday 24/6/2019. तो पहले ये कहते हैं कि भाई सार पोर्टल्स पे जो भी है वो सब कुछ प्रोसेस कैंसिल हो चुकी है, तो ये जो प्रोसेस है ये शॉर्टली स्टार्ट हो सकती है। तो ये जो है 24 से जो है स्टार्ट हो सकती है। तो 24 को जो है हम फिर से एक बार देख लेंगे अपडेट। तो यानी कि घुमा फिरा के जो है आपको सार के ऊपर जो है पहले रजिस्टर करना पड़ सकता है। हमारे टाइम पे जो है हमने सार एप्लीकेशन ये सब चीज़ें नहीं की थी। हमारा जो है DT महाराष्ट्र के ऊपर अकाउंट क्रिएट करो, वहीं पर ऑप्शन फॉर्म फिल कर दो, सब कुछ वहीं करना था। लेकिन आपके केस में जो है थोड़ा बहुत अभी चेंजेस हुए हैं, तो आपको पहले जो है सार एप्लीकेशन फिल करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जान लेते हैं कि भैया आपका जो है DT महाराष्ट्र पर होगा या MAHACET के ऊपर होगा। तो भाई DT महाराष्ट्र के ऊपर भी अगर देखोगे तो वहाँ पर भी जो है कोई आपको जो डायरेक्ट सेकेंडरी इंजन की लिंक है वो अवेलेबल नहीं है। सेम थिंग MAHACET के ऊपर भी डायरेक्ट सेकेंडरी इंजन लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी वो लिंक नहीं चल रही है। तो ये कंफर्म कब होगा? जब आपका जो है शेड्यूल आ जाएगा। तो जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा कि MAHACET होगा या DT महाराष्ट्र होगा। तो चांसेस हैं कि MAHACET होगा, क्योंकि वहाँ पे वो बताते हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग लिखा हुआ है फॉर द एकेडमिक ईयर तो हमारे लिए हो रहा है। DAC का अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। DAC का सबसे पहले शेड्यूल आएगा, उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको जो है अपडेट करते जाऊंगा, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, तो होगा ये कि आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो इससे बेटर है कि हम जो है शॉर्ट वीडियोस बनाएं, उसमें एक एक चीज़ जो है क्लियर करें, और कैसे टाइम के हिसाब से, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, तो उसी हिसाब से जो है हम वीडियो बना के जो है डाउट क्लियर हो और वो ईजी भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।